हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जितेंद्र और आप देख रहे हैं जितेंद्र इन्फो चैनल। तो मैं आज आपको टडानो क्रेन के बारे में बताया हूँ, जिसका मॉडल है GR800EX। ये 80 टन का क्रेन है और ये क्रेन को चलाने के लिए ये क्रेन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं और ये कैसे यूज किया जाता है, इसको कैसे ऑपरेट किया जाता है, तो इसके पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो कि क्रेन का कंप्यूटर सेटिंग होता है, कंप्यूटर सेटिंग के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। तो मैं इस क्रेन के कंप्यूटर का सेटिंग पूरा वन बाय वन करके पूरा बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया हूँ और आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो मुझे उम्मीद है आपको सब चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए ताकि क्रेन से रिलेटिव कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आज आपको GR800EX के बारे में बताऊंगा। ये 80 टन का क्रेन है और इसके फंक्शन के बारे में मैं आपको समझाने की आज कोशिश करूंगा। तो ये नया मॉडल की क्रेन है और इसमें फंक्शन भी थोड़ा अलग है। वैसे भी मैं आपको टडानो के GR के बारे में पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन ये 80 टन का क्रेन है और इसका फंक्शन भी थोड़ा अलग है, इसीलिए मैं सोचा कि आप में शेयर करूँ। स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे की दिया हुआ है, यहाँ से क्रेन को स्टार्ट कर लेंगे। ये क्रेन स्टार्ट हो गया है, एक क्रेन स्टार्ट हो गया है। ये हमारा कंप्यूटर भी चालू हो गया है, ये हमारा पूरा कैपेसिटी के बारे में बताता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको इसका फंक्शन समझ लेते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है कि इसमें चार लीवर होता है, दो लीवर ये लेफ्ट हाथ में होता है और दो लीवर यहाँ पे राइट हाथ में होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है सबसे पहले ये समझ लेते हैं। ये स्विंग का लीवर है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ अपने पिछले वीडियो में, ये इसका फंक्शन बता दिया हूँ, लेकिन एक बार और फिर मैं आपको समझा देता हूँ। ये स्विंग का लीवर है, इसको हम आगे की तरफ करेंगे तो क्रेन राइट के साइड में स्विंग करता है, इसी को हम पीछे की तरफ करेंगे तो क्रेन जो है लेफ्ट में स्विंग करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये जो है एक्सेलरी हुक का लीवर है, क्रेन में जो छोटा हुक होता है, ये देखिए इसमें दो हुक होता है, एक बड़ा हुक है एक छोटा हुक है, तो छोटा हुक एक्सेलरी हुक है और बड़ा हुक है उसको मेन हुक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये छोटा हुक का है। ठीक है, तो एक्सेलरी हुक इसको आगे करेंगे तो एक्सेलरी हुक डाउन होगा, इसी को अगर पीछे करेंगे तो एक्सेलरी हुक अप होगा। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे दो लीवर है राइट साइड में, तो इसका जो फंक्शन है ये जो है बूम को अप डाउन करता है। ठीक है, इसको हम ऐसा पीछे की तरफ खींचेंगे तो बूम जो है अप होता है और इसी को हम अगर आगे की तरफ करेंगे तो बूम डाउन होगा। ठीक है, इसके बाद में ये जो लीवर है ये मेन हुक का है, तो इससे अगर आगे की तरफ करेंगे तो मेन हुक नीचे आएगा और इसी को अगर पीछे की तरफ खींचेंगे तो मेन हुक ऊपर की तरफ जाएगा। इसके बाद में ये देखिए, ये लीवर में दो ये छोटा बटन है, ये जो बटन है ये हॉर्न के लिए है। अगर काम करते समय, स्विंग करते समय अगर हमें किसी को हॉर्न देना है, किसी को कुछ बताना है, तो ये स्विच को दबाएंगे तो ये हॉर्न बजेगा। इसके बाद में इसमें जो छोटा स्विच है ये बूम को निकालने के लिए, अगर मोड वन निकाले हैं, मोड वन पूरा खत्म हो जाता है तो उसके बाद में मोड टू निकालना है, तो उसके बाद में ये छोटा स्विच दबा के और बूम एक्सटेंड का लीवर दबाएंगे, बूम एक्सटेंड का लीवर को दबाएंगे तो हमारा जो है मोड टू वहां से फिर निकलना चालू हो जाता है। अगर मोड टू हम अगर से काम कर रहे हैं, अगर पहले मोड टू निकाले हैं और मोड टू पूरा बूम निकल गया है और मोड वन हमें निकालना है तो ये स्विच को दबाएंगे तो वहां से फिर हमारा मोड वन भी निकलना चालू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पे लेफ्ट साइड में ये स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग के लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये देखिए पहला जो ये स्विच है ये विंडो का है। ठीक है, ये विंडो का जो कांच होता है उसको खोलने के लिए होता है, ये देखिए ये विंडो का कांच है, ये खुल रहा है, ये देखिए ये विंडो का कांच खुल रहा है, ये विंडो का कांच देखिए बंद हो रहा है। ठीक है, तो ये इसके लिए है। ठीक है, उसके बाद में ये इमरजेंसी स्टॉप है, अगर क्रेन को स्टॉप करना है, अगर स्विच से स्टॉप नहीं करना है तो यहाँ से हम पुश कर देंगे तो क्रेन स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद में फिर इसको पुश करने के बाद फिर चालू करना होता है तो ऐसा गोल घुमा के और ऐसा बाहर की तरफ खींचा जाता है, बाहर की तरफ खींचेंगे उसके बाद में यहाँ से चाबी से फिर स्टार्ट करेंगे तो चाबी से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में ये पार्किंग का स्विच है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये पार्क है, मेरा क्रेन पार्क मोड में है, अभी मैं पार्क किया हुआ। ठीक है, इसको अगर ट्रेवलिंग करना है तो ऑफ कर देंगे, ऐसे ऑफ कर देंगे उसके बाद में ट्रेवलिंग करेंगे।
उसके बाद में ये सेफ्टी का लाइट है, जो पीछे में सेफ्टी होता है रेड कलर का जलता रहता है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे सेफ्टी का लाइट, ये सेफ्टी लाइट चालू और बंद करने के लिए है, ठीक है। तो ये सेफ्टी का लाइट है, इस ऐसे बंद हो जाएगा, ऐसे में चालू हो जाएगा। उसके बाद में ये जो है व्हील के मोड के लिए है, इसको फोर व्हील में करना है तो यहाँ से करते हैं, और टू व्हील में करना है तो ये देखिए यहाँ नीचे कर दूंगा तो मेरा फोर व्हील लग गया है। तो ये लो मोड में फोर व्हील लगेगा, यानी ज़्यादा पावर में काम करेगा। यहाँ पे इसका सिंबल भी शो करता है, यहाँ पे देखिए ये कछुआ का मोड हो गया, ठीक है। कछुआ का मोड में यानी फोर व्हील हो गया, ये ज़्यादा पावर लेके कहीं हाइट पे चढ़ाना है, या कहीं ट्रेवलिंग करते समय कहीं हाइट है वहाँ पे चढ़ाना है तो ये नीचे में करके चढ़ाएंगे, ठीक है। और ये देखिए ये ऊपर में कर देंगे तो ये भी फोर व्हील ही हो जाएगा, लेकिन ये हाई फोर व्हील हो जाएगा। हाई फोर व्हील का मतलब ये हो गया कि आप फास्ट चला सकते हो, फोर व्हील में ही चारों चक्का ही काम करेगा लेकिन फास्ट ट्रेवलिंग करेगा, फास्ट चलेगा। यहाँ पे कछुआ का निशान नहीं देता, ये देखिए ये कछुआ का निशान यहाँ से हट गया, यानी ये फास्ट चलेगा, ठीक है। और इसी को हम अगर न्यूट्रल कर देते हैं, ये देखिए न्यूट्रल कर देंगे तो टू व्हील में हो जाएगा, यानी हमारा सिर्फ दो ही चक्का का व्हील काम करता है, ठीक है। दो ही चक्के में पावर आता है उसके लिए। फिर ये है हजार्ड लाइट है, हजार्ड लाइट का मतलब हमारा चारों तरफ का चार जो दो सामने का और दो पीछे का लाइट चालू हो जाता है हजार्ड लाइट। ये देखिए यहाँ पे सिग्नल देने लगा हजार्ड का, ठीक है। उसके बाद में ये व्हील सिलेक्शन का है, यहाँ पे देखिए ये मोड पे अगर करेंगे तो ये सामने का दो चक्का कटेगा, ठीक करेगा। अगर हम ये सेकंड बटन को एक्टिवेट करेंगे तो इसको एक्टिवेट करते ही हमारा जो चारों चक्का है एक साइड में कटेगा, चारों चक्का है कटेगा, ठीक है। अगर कहीं हमें कम जगह में मोड़ना है या कम जगह में कुछ काम करना है, घुमाना है क्रेन को, तो ये चारों चक्का साथ में काम करता है। उसके बाद में ये जो थर्ड मोड है, इसको एक्टिवेट करने पे हमारा जो चारों चक्का है वो एक साइड में जाता है, ठीक है। अगर क्रेन को एक ही साइड में लेके जाना है तो थोड़ा आगे जाएगा, थोड़ा पीछे जाएगा, और क्रेन एक साइड में ही होते जाता है, ठीक है। ये जो चौथा है, इसको एक्टिवेट करने पे पीछे का दो टायर काम करेगा। अगर अगर हम स्टेयरिंग से काटेंगे तो सिर्फ पीछे का ही टायर कटेगा और दूसरा कोई टायर नहीं कटता, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर ये सेकेंड मोड पर रखते हैं, ये बहुत ईजी होता है कहीं भी मोड़ने में और घुमाने में, तो उसके लिए ये ठीक है। उसके बाद में ये स्टेयरिंग के राइट साइड में, ये देखिए स्टेयरिंग के राइट साइड में कुछ बटन है, इसके लिए बता दूं ये जो है स्विंग फ्री का है। ये टेंडम लिफ्टिंग करते समय दो क्रेन या तीन क्रेन या मल्टी क्रेन से जब काम करते हैं तो इस स्विंग फ्री करके रखा जाता है। इससे क्या होता है, ऐसा ऑन कर देते हैं, इससे क्या होता है कि अगर एक क्रेन स्विंग कर रहा है तो दूसरा हमारा क्रेन भी ऑटोमेटिक स्विंग हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए ये स्विच मोड को चेंज करता है, जैसे एक्सेलरी हुक है तो ये चाहे तो एक्सेलरी हुक पे लगा देंगे, और यहाँ से चाहे तो बूम निकालने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। जैसे इसको ऊपर की तरह हम सेलेक्ट करके रखेंगे, और ये एक्सेलरी ये जो छोटा हुक का बूम है, ये छोटा हुक का जो लीवर है, यहाँ से हम ऐसा अगर आगे की तरफ दबाएंगे तो हमारा बूम क्रेन का बूम बाहर निकलेगा। उसके बाद में इसको अगर बूम अगर यहाँ से बूम लीवर से बूम नहीं निकालना है तो इसको हम ये लॉक को छुड़ा के ये नीचे में देखिए यहाँ पे देखिए सिंबल भी दिया है बूम का और एक्सेलरी हुक का। तो एक्सेलरी हुक पे सेलेक्ट करके और ये लीवर से काम करेंगे तो एक्सेलरी हुक काम करेगा, और अगर अगर ये स्विच को बूम के मोड पे सेलेक्ट कर देंगे तो ये लीवर को ऐसा पुश करेंगे तो बूम निकलेगा। ये यहाँ देखिए यहाँ भी सिंबल दिया हुआ है, यहाँ से बूम भी निकलता है और एक्सेलरी हुक भी, इसके ऊपर सिंबल दिया हुआ है। जैसे ये देखिए यहाँ से बूम भी, इससे बूम भी निकाल सकते हैं और ये एक्सेलरी हुक भी निकाल अप डाउन कर सकते हैं। तो ये यहाँ से इसको सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद में ये क्रेन का स्विंग लॉक का है, इलेक्ट्रॉनिक स्विंग लॉक का बटन है, ये उसके लिए है। उसके बाद में ये जो है ये आउटरिगर का मोड है, तो आउटरिगर का मोड के लिए समझ लीजिए ये जो है ये जो स्विच है ये मास्टर बटन है, ठीक है। इसको अगर हम ऊपर कर देते हैं तो एक्सटेंड के मोड में हो जाएगा, यानी जैक बाहर निकालना है या आउटरिगर बाहर निकालना है उसके मोड में हो जाएगा। इसी को अगर हम नीचे कर देते हैं तो ये रिट्रैक्ट मोड पे हो जाएगा। अगर जैक को ऊपर अंदर लेना है और आउटरिगर के अंदर लेना है, यानी सबको रिट्रैक्ट करना है तो उसके मोड पे हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें आउटरिगर को बाहर निकालना है, ये देखिए, और ये जो स्विच है ये आउटरिगर और जैक के मोड का है, ठीक है। ये हो गया एक्सटेंड मोड और रिट्रैक्ट मोड, और ये हो गया आउटरिगर और जैक मोड। ये देखिए ये ऊपर कर देंगे तो ये आउटरिगर के मोड पे हो जाएगा,
और इसको नीचे कर देंगे तो जैक के मोड पे हो जाएगा। अब जैसे हमें आउटरिगर निकालना है तो ये देखिए, ये एक्सटेंड के मोड पे कर देंगे, एक्सटेंड यानी बाहर निकलेगा, ठीक है, उसके बाद में आउटरिगर के मोड पे निकलेगा। और यहाँ से करके और ये आल का बटन दबाएंगे तो चारों आउटरिगर एक साथ में बाहर निकलेगा, या दो दो चाहें तो दो आगे का दो पीछे का, ऐसे दो दो चाहें भी तो निकाल सकते हैं। उसके बाद में आउटरिगर निकलने के बाद से जैक निकालना है तो इसी को नीचे कर देंगे तो ये जैक के मोड पे हो जाएगा, और ये बटन दबाएंगे तो चारों एक साथ में जैक बाहर निकलेगा, ठीक है। अगर इसको रिट्रैक करना है तो ये देखिए, ये बटन को, मास्टर बटन को रिट्रैक के मोड पे कर देंगे, ये रिट्रैक के मोड पे हो गया, और ये सबसे पहले जैक को उठाया जाता है, जैक अंदर लिया जाता है, तो ये जैक के मोड पे कर देंगे, और ये चारों, ये आल बटन दबाएंगे तो चारों एक साथ में अंदर जाएगा। उसके बाद में आउटरिगर अंदर लेना है तो इसी यही बटन को ऐसा ऊपर की तरफ सेलेक्ट कर देंगे और ये आल के बटन पर दबाएंगे तो चारों आउटरिगर हमारा अंदर की तरफ आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आउटरिगर और जैक का मोड। उसके बाद में ये देखिए, ये एंटी टू ब्लॉक का स्विच है, जैसे कि आपको मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपको नजर आ रहा है, ये हुक के ऊपर में छोटा सा जो देखिए एक पॉइंट दिख रहा है, ये मेरे उंगली के ऊपर में छोटा सा जो पॉइंट दिख रहा है बिंदी के जैसा, ये एंटी टू ब्लॉक है। ये एंटी टू ब्लॉक के ऊपर हुक नहीं जाता, ऑटो कट आउट होता है तो उसके ऊपर में स्विच नहीं जाता, तो इसको हम ऐसा पुश करके उसके बाद में मेन बूम या एक्सेलरी हुक को ऊपर लेंगे तो फिर एंटी टू ब्लॉक के ऊपर भी फिर ये हमारा हुक जा सकता है। उसके बाद में ये पीटीओ है, ये कंप्यूटर जो है पीटीओ से ही ऑन ऑफ होता है, तो जैसे ये मैं अभी ऑफ कर दिया, अगर अगर मुझे क्रेन से काम करना है तो ये पीटीओ ऑन कर दिया, ऑन कर दे, देखिए हमारा जो कंप्यूटर का डिस्प्ले है ये चालू हो गया है, ठीक है। उसके बाद में ये जो स्विच है बाईपास का स्विच है, AML है, ठीक है, तो इसको अगर बाईपास में काम करना होता है, अगर कोई लोड है, अगर कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा हो गया, अगर उसको उठाना है तो ये बाईपास में ऐसा, ये स्विच को, ये की जो है इसको बाईपास में ऐसा करके रखेंगे, उसके बाद में लोड को उठाएंगे तो लोड उठेगा, ठीक है। इसके बाद में ये नीचे में पैडल दिया हुआ है, ये पैडल के बारे में समझ लीजिए, ये जो पैडल है ये बूम को बाहर निकालने के लिए है, ठीक है। बूम को अगर बाहर निकालना है तो ये पैडल को आगे की तरफ दबाएंगे, बूम बाहर निकलेगा। अगर बूम को अंदर लेना है, इसी को पीछे की तरफ दबाएंगे, ये पीछे की तरफ दबाएंगे तो बूम अंदर आएगा, आगे की तरफ दबाएंगे तो बूम बाहर जाएगा। ये जो पैडल है बूम को अप डाउन करने के लिए, ठीक है। अगर इसको हम ऐसा ऐसा पीछे की तरफ दबाएंगे तो बूम है अप होता है, ठीक है, और इसी को हम आगे की तरफ दबाएंगे तो बूम जो है डाउन होता है, ठीक है। तो ये बूम को अप डाउन करने के लिए। उसके बाद में ये जो है ये ब्रेक है और ये जो है एक्सीलेटर है, ठीक है, ये तो आप लोग को पता ही है। यहाँ पे एक स्विच दिया है, ये एक्सीलेटर को मान कर ये ऐसा खींच के और ऐसा बढ़ा देंगे तो क्रेन का स्पीड जो है बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। उसके बाद में एक्सीलेटर देने की जरूरत नहीं है, जितना चाहे उतना यहाँ से बढ़ा सकते हैं, ठीक है, तो ये उसके लिए है, ठीक है, यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं एक्सीलेटर को। उसके बाद में ये क्रेन का गियर है, ये गियर को अगर हमें ट्रेवलिंग करना है तो ये बटन को पुश करते हैं, बटन को पुश करके ये डी में लगा देंगे तो ये ऑटो गियर हो जाता है, ये डी में लगा देंगे तो ये गियर लग जाएगा और ये ऑटो गियर है। उसके बाद में हमें ट्रेवलिंग करना है तो हमें बस एक्सीलेटर देते रहेंगे और ये ऑटोमेटिक अपना गियर चेंज करते रहेगा। उसके बाद में ये आप देख सकते हैं, ये एक नंबर गियर है, उसके बाद में ये दो नंबर गियर है, ठीक है, और ये आगे में न्यूट्रल है, ठीक है। तो कोई भी गियर लगाएंगे तो ये पुश करके उसके बाद में गियर को लगाया जाता है। इसके बाद में ये क्रेन का मीटर के बारे में समझ लेते हैं। ये देखिए इसके इसका मीटर है, ये जो मीटर, ये वाटर हीटिंग के बारे में बताता है, ये हमारा फ्यूल का बताता है, डीजल के बारे में बताता है। ये जो है ये किलोमीटर का मीटर है, ये देखिए ये कितना किलोमीटर चल चुका है उसके बारे में दिखा रहा है, और ये हम जब ट्रेवलिंग करेंगे तो ये स्पीड दिखाएगा, क्रेन का स्पीड कितना चल रहा है उसके बारे में, तो किलोमीटर का मीटर इसको बोलते हैं। उसके बाद में ये जो है आरपीएम का मीटर है, ये देखिए क्रेन कितना घंटा चल चुका है उसके बारे में दिखा रहा है, और ये आरपीएम दिखा रहा है, मैं जैसे जैसे एक्सीलेटर लूंगा वैसे वैसे इसका आरपीएम बढ़ते जाएगा, एक्सीलेटर छोड़ूंगा तो आरपीएम कम हो जाता है। इंजन पे जो आरपीएम है उसके बारे में बताता है, और ये हावर दिखाता है, ठीक है, ये जो है ये किलोमीटर दिखाता है और ये जो है हावर दिखाता है, कितना घंटा क्रेन चल चुका है उसके बारे में दिखाता है। उसके बाद में ये जो मीटर है, ये जो है ये हाइड्रोलिक का टेम्परेचर के बारे में दिखाता है,
उसके बाद में ये जो है ये एयर के प्रेशर का दिखाता है, किरण में जो एयर का प्रेशर उसके बारे में दिखाता है, ठीक है। तो इतना ही मीटर है। उसके बाद में ये देखिए, ये जस्ट ऊपर में हम जहाँ बैठे हैं सीट के जस्ट ऊपर में एक पैनल होता है। ये पैनल में ये देखिए आप, ये एसी का है, ये जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये एसी का ऑन ऑफ का स्विच है। यहाँ से एसी ऑन कर देते हैं, उसके बाद में यहाँ देखिए ये जो है एसी का मोड है। यहाँ यहाँ देखिए पुश करेंगे, यहाँ पे एक सिंबल आ गया, ये ना हमारा एसी चालू हो गया, ठीक है, ठंडा कर रहा है। यहाँ से ये जो ऊपर और नीचे का बटन दे रहा है, यहाँ से हम एसी को एसी के फैन का स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे ये देखिए मैं ऐसा पुश कर रहा हूँ, ये चार चार पॉइंट तक होता है, ये एसी के फैन का स्पीड बढ़ गया है, ठीक है। इसको अगर कम करना है, हमें कूलिंग कम लेना है, तो ये इससे कम कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से हम मोड चेंज कर सकते हैं, कौन से, अभी सामने से एसी का हवा आ रहा है, इसको चाहे तो ऐसे आगे से और पीछे से भी कर सकते हैं, इसको चाहे तो सिर्फ पीछे से, ये देखिए तीर का निशान आते जा रही है, सिर्फ पीछे से हो रहा है, ठीक है। यहाँ यहाँ देखिए तीर का निशान आ गया, यानी सिर्फ आगे से हवा आएगा, ठीक है। और ये ऐसा, ये ऊपर का मोड करेंगे तो ये सिर्फ ऊपर की तरफ आएगा, जो आगे कांच के पास में जो दिया रहता है वहाँ से सिर्फ आएगा, ठीक है। तो हम ये मोड पे हम करके रखते हैं। और ये देखिए अगर अगर इसको हीट करना है, क्रेन में अगर हीटर चलाना है, यहाँ पे जो दो बटन दिया है, ये हम इसको ऐसा ऐसा करते जाएंगे तो ये हीट मोड पे आ जाएगा। यानी ये देखिए यहाँ पे सिंबल दिया है, यहाँ पे रेड कलर का सिंबल दिया है, और ये देखिए ये ब्लू कलर, ये ग्रीन कलर का सिंबल दिया है। यानी रेड कलर का सिंबल का मतलब ये हो गया कि हम जितना इधर करते जाएंगे किरण से हीट होते रहेगा, और इसको ऐसा हम अभी हीटिंग नहीं करना है, सिर्फ कूलिंग करना है, तो ऐसा रखेंगे, एक पॉइंट पर रखेंगे तो कूलिंग होते जाएगा, और जैसे ऐसा बढ़ाते जाएंगे इसका हीटिंग चालू हो जाएगा, सिर्फ हीट होते जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये देखिए, ये फ्लाई जिप का दिया हुआ है, फ्लाई जिप का स्विच है, यहाँ पे ये आउटरिगर का स्विच दिया हुआ है। उसके बाद में ये जो स्विच है ये इंजन के स्पीड के लिए है, अगर हम इसको ऐसे ऑन पोजीशन में कर देते हैं तो इंजन का स्पीड थोड़ा स्लो रहता है, इसी को हम नीचे कर देते हैं, ये जो एक पत्ती बनाया हुआ है, तो ये मोड में कर देंगे तो इंजन का स्पीड ज़्यादा रहता है। उसके बाद में ये जो स्विच है, ये देखिए ये जो स्विच है ये मेन हुक का है, मेन हुक का स्पीड के बारे में है। अगर इसको हम ऐसे ऑन में कर देंगे तो मेन हुक का स्पीड स्लो रहेगा, इसको हम ऐसा नीचे खरगोश के मोड पर कर देंगे तो मेन हुक फास्ट ऊपर और नीचे होगा। ऐसे ही एक्सेलरी हुक का है, इसको अगर हम ऊपर कर देंगे तो एक्सेलरी हुक स्लो काम करेगा, इसको नीचे कर देंगे तो एक्सेलरी हुक फास्ट काम करेगा। ये जो है लाइट का है, ये बूम के ऊपर लाइट होता है और हमारे केबिन के ऊपर लाइट है, तो यहाँ से ऑन होता है, यहाँ से ऑफ होता है। ये जो वाइपर का है, ये ऊपर में जो वाइपर है उसके लिए है, और ये जो है वाइपर का पानी, वाइपर से जो पानी फेंकता है उसके लिए है, ठीक है। अभी ये क्रेन का कंप्यूटर है, क्रेन का कंप्यूटर के बारे में समझ लेते हैं, इसमें सेटिंग कैसे करना है। तो सबसे पहले ये देखिए, ये पीटीओ है, पीटीओ को चालू करते ही ये क्रेन का कंप्यूटर ऑन हो गया है। तो यहाँ पे काम करने से पहले पीटीओ ऑन करके ये जो है काउंटर वेट है, काउंटर वेट को ऐसा सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद में ये आउट ट्रिगर जो है सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए फुल आउट ट्रिगर दिखा रहा, क्योंकि अभी क्रेन में पूरा आउट ट्रिगर निकला हुआ है। उसके बाद में ये देखिए ये डिस्प्ले में क्या क्या शो करता है। अब ये देखिए यहाँ पे पार्ट ऑफ लाइन दिखाता है, जो क्रेन में पार्ट ऑफ लाइन होता है। ये देखिए मेरे क्रेन में अभी 8 पार्ट ऑफ लाइन है, जैसा कि आप देख लीजिए, ये जो हुक है, हुक में जो 8 लाइन होता है, सीलिंग का जो 8 लाइन होता है उसको पार्ट ऑफ लाइन कहते हैं। तो ये 8 लाइन है वायर का, तो ये 8 8 लाइन का मैं यहाँ पे 8 लाइन का मैं सेट करके रखा हूँ। उसके बाद में ये देखिए, ये मैं मोड 2 निकाला हूँ, तो ये मोड 2 का यहाँ पे निशान दिखा रहा है। उसके बाद में ये बूम का लेंथ दिखाता है, ये देखिए यहाँ पे ये 21.7 दिखा रहा है, 21.7 मीटर ये मेरा क्रेन का बूम लेंथ है। उसके बाद में ये क्रेन के जो एंगल है, बूम का जो एंगल होता है उसके बारे में दिखा रहा है, 49.6 है, तो ये 49.6 का डिग्री है अभी क्रेन का मेरे।
उसके बाद में ये रेडियस है, 15.1 मीटर रेडियस में अभी मैं काम कर रहा हूँ। तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए रेडियस का दिखा रहा है, ठीक है, ये आउटरिगर पूरा निकला हुआ है तो ये आउटरिगर के बारे में दिखा रहा है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये जो यहाँ पे हम जो लिफ्टिंग करेंगे तो जो वेट उठाएंगे वो यहाँ पे शो करेगा। तो अभी मैं कुछ उठाया नहीं हूँ इसीलिए मेरा ये सिर्फ हुक का वेट शो कर रहा है। उसके बाद में ये अभी मेरी कैपेसिटी क्रेन की है 15 मीटर रेडियस पे और 21.7 मीटर में बूम लेंथ निकाला हूँ, तो इतना पे मेरा क्रेन की कैपेसिटी बन रही है 10.9 टन, ठीक है, कैपेसिटी बन रही है। और ये जो है क्रेन जो 360 डिग्री में रोटेशन करता है तो उसके बारे में दिखाता है। क्रेन क्रेन जैसे जैसे मुड़ता है वैसे वैसे ये देखिए यहाँ पे एक कांटा का निशान दिखा रहा है, ये वैसा वैसा वो एंगल दिखाते जाएगा किस एंगल में हम लोग क्रेन को स्विंग कर रहे हैं, किस एंगल में मुड़ रहे हैं, वो एंगल यहाँ पे दिखाते जाता है, ठीक है। तो इसको सेटिंग करने के लिए अभी देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये पहला जो बटन है यहाँ को हम ओके करेंगे तो इसमें देखिए ये जो है ये इंजन का स्पीड थोड़ा इसे बढ़ाने घटाने के लिए रहता है तो इसको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से देखिए हम सेलेक्ट का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये मैं मोड 2 पे रखा हूँ तो इसका मोड 2 का मतलब थोड़ा स्पीड ज़्यादा रहता है, मोड 1 का स्पीड कम रहता है। तो यहाँ से F3 और F4 से सेलेक्शन करना है तो F3 में आ जाऊँगा तो ये मोड 1 में आ जाएगा और यहाँ से ऐसा सेलेक्ट कर लूँगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा। उसी को अगर मोड 2 में जाना है ये देखिए ये ओके का बटन है, ये ओके का बटन है, ये कैंसिल का बटन है। तो ये देखिए मैं इसको ओके कर दिया तो मोड 1 में है, मैं मोड 2 में रखूंगा क्योंकि इसमें मैक्सिमम स्पीड में हम काम कर सकते हैं, इसलेटर मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है मोड 2 में काम करता है तो इसलिए मोड 2 में मैं सेलेक्ट करके रखूंगा, ठीक है। उसके बाद में ये साउंड का है, ये देखिए ये साउंड का है तो यहाँ से ये साउंड यहाँ से बंद करते हैं और यहाँ पे साउंड चालू रखता है। तो ये देखिए यहाँ पे करके मैं ओके दबा दूंगा तो साउंड बंद हो जाएगा और ये 3 3 अब से यहाँ पे साउंड चालू रहेगा तो मैं चालू ही रहने देता हूँ क्योंकि साउंड आता है तो उसे वार्निंग हमको पता चल जाती है, क्रेन वार्निंग दे रहा है हमें, ठीक है, तो इसे चालू ही रहने देंगे। उसके बाद में ये जो है ये डीजल का शो करता है तो डीजल का हमारे पास यहाँ पे मीटर है, मीटर में देख लेते हैं। उसके बाद में ये देखिए ये जो है यहाँ पे नहीं आता है, ये देखिए यहाँ पे नहीं आता है, ये डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। तो ये जो है हवा का मीटर है, ठीक है, तो ये हवा विंड स्पीड कितना स्पीड में चल रहा है यहाँ पे हवा उसका यहाँ पे ये शो करता है तो इसको हम ओके कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैक्सिमम सेटिंग करके रखते हैं कितना मीटर पर सेकंड में, ये 14 मीटर पर सेकंड में हम सेटिंग करके रखे हैं, ठीक है। तो ये 14 मीटर पर सेकंड में जाएगा तो ये आवाज आने लगेगा, ये हमें वार्निंग देने लगेगा कि इतना हवा का स्पीड 14.0 मीटर पर सेकंड है। इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं तो यहाँ पे देखिए F1 है, F1 से ऐसा कम कर सकते हैं, F2 है, F2 से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये F1 ऐसा दबाते जाएंगे देखिए कम होते जा रहा है, देख रहे हैं यहाँ पे देखिए कम होते जा रहा है और ये F2 दबाएंगे तो ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं फुल करके रखा हूँ तो क्रेन में जो है 14.0 मीटर पर सेकंड हवा का स्पीड है तो इतना पे काम नहीं करना चाहिए, तो ये इसका सेटिंग है, ठीक है, इसको ओके कर दिया। उसके बाद ये है, ये क्रेन का ब्राइटनेस को दिखाता है, कंप्यूटर के अंदर में जो लाइट होता है लाइट को कम ज़्यादा करने के लिए है। तो इस पर हम जाने के लिए F4 को दबाएंगे, ये यहाँ पे आ गए, वहीं यहाँ पे आ गए, अभी हम सेलेक्ट करेंगे, ये सेलेक्ट किया, ये ब्राइटनेस का आ गया। अभी ये देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का निशान दिया है तो ये प्लस और कम ज़्यादा करने के लिए F1 और F2 यूज करेंगे। अभी हमें अगर ब्राइटनेस ज़्यादा करना है तो ये F2 हम करते जाएंगे, ये देखिए ब्राइटनेस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। अब इसको माइनस कम करने के लिए F1 दबाएंगे, ये F1 करेंगे, ये ब्राइटनेस इसका कम होते जा रहा है, ये देखिए बिल्कुल कम हो गया, F2 से बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसको अपने कंप्यूटर में लाइट के हिसाब से हम अपने हिसाब से सेट कर लेंगे तो मेरे हिसाब से ये बेटर है। तो यहाँ से मैं ओके सेलेक्ट कर दूंगा, ये ओके, ठीक है। तो इसमें ये पूरा हमने सेटिंग कर लिया। उसके बाद में दूसरा है ये F1 और F2
F3 F4 ये सिलेक्शन के लिए है। अगर कोई भी सेटिंग करना है तो माइनस और प्लस के लिए, यहाँ पर भी माइनस और प्लस के लिए, या ऊपर नीचे के लिए ये चार बटन हम लोग सेलेक्ट करते हैं। ये जो बटन है ये कैंसिल का है। अगर कोई सेटिंग कर रहे हैं और उसे हमें लगता है कि नहीं सेटिंग करना चाहिए, तो यहाँ से हम लोग ये बटन दबाएंगे, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये जो बटन है यहाँ पर टिफाइट का दिखाता है, क्रेन का कितना टिफाइट। अभी मेरे क्रेन में टिफाइट है 10.5, मेरा टिफाइट है, ठीक है। टिफाइट का मतलब होता है जमीन से और बूम की दूरी को हम टिफाइट कहते हैं, ठीक है। तो ये टिफाइट जो है ये मीटर में यहाँ दिया हुआ है। ये जो है क्रेन का रोटेशन का बता रहा है, क्रेन कितने डिग्री में रोटेशन हुआ है। अभी मेरा क्रेन का रोटेशन है 121, यानी 121 डिग्री में मेरा क्रेन घुमा हुआ है। उसके बाद में यहाँ पे जो है ये हवा का स्पीड दिखाता है, विंड स्पीड कितना चल रहा है, हवा कितना स्पीड में चल रहा है, उसका स्पीड यहाँ पे दिखाएगा, मीटर पर सेकंड में दिखाता है। इसके बाद ये वाला जो बटन है ये बूम सेटिंग के बारे में है। इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे पहले दिखा रहा है, ये बूम का टिफाइट दिखा रहा है। यहाँ बूम टिफाइट अगर सेट करना है तो यहाँ से ओके दबा देंगे। जब ओके दबा देंगे तो ये बूम टिफाइट सेट हो जाएगा। ये मैक्सिमम में सेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें अगर कोई भी लोड उठाना है तो अगर जितना मीटर पर हम सेट कर देंगे उससे ऊपर नहीं जाएगा। अगर इसका मिनिमम में सेट करना है तो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इसके लिए F4 को दबाएंगे, F4 को दबाएंगे तो ये मिनिमम में अभी दिखा रहा है। तो हमें जितना पर सेट करना है उतना मिनिमम करके, जैसे बूम डाउन करेंगे तो बूम डाउन करते जाएंगे तो ये मिनिमम इसका टिफाइड आ जाएगा, तो उतना पे हमें सेट कर देना है। सेट करने के लिए ये ओके का बटन दबा देंगे, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो उसे क्या होगा कि उससे नीचे नहीं आएगा। उसके बाद में ये जो है ये बूम एंगल का दिखा रहा है। बूम एंगल मैक्सिमम में सेट कर सकते हैं। अभी मेरा बूम का एंगल है 42.6 डिग्री दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर इतना पे सेट करना है तो इतना पे सेट कर सकता हूँ, और इसे चाहे तो मैक्सिमम में, इसे चाहे तो ज़्यादा भी करके सेट कर सकता हूँ। जैसे कि ये अभी मैं अपना बूम अप कर रहा हूँ, तो बूम अप कर रहा हूँ तो इसका डिग्री भी बढ़ते जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं पहले 42 था, अभी 44 हो गया, 45 हो गया। तो ये इतना पे करके और मैं यहाँ से ओके दबा दूंगा, ये सेट हो जाएगा। अगर मिनिमम में सेट करना है तो ये F4 का दबाऊंगा, यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा। तो इसे मैं बूम का डिग्री मिनिमम कर दूंगा, बूम को डाउन करते जाऊंगा, ये जो डिग्री है वो कम होते जाएगा। अभी देखिए मेरा डिग्री कम होते जा रहा है, ये देखिए डिग्री कम होते जा रहा है। तो हमें कितना डिग्री पे, यानी मिनिमम डिग्री पे सेट करना है उतना मिनिमम डिग्री करके और ये ओके का बटन दबा देंगे तो ये सेट हो जाएगा। जैसे कि अभी 40 हो गया है तो इतना पे हम सेट कर सकते हैं। उसके बाद में ये स्विंग रोटेशन का है, स्विंग रोटेशन का है। तो स्विंग रोटेशन के लिए हम F4 को दबाएंगे, ये आ गया स्विंग रोटेशन का दिखाएगा। तो ये अभी मेरा स्विंग का रोटेशन है 95.8 का है, ये स्विंग का रोटेशन है मेरा, इतना में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, अगर जैसे क्रेन के पीछे में या कहीं पे अगर कोई दीवार है या कोई सामान आ रहा है तो हमें अगर उससे ज्यादा क्रेन को स्विंग नहीं करना है, उससे ज्यादा रोटेशन नहीं करना है, तो हम उतना पर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरफ से ये सेट कर सकते हैं और दूसरे तरफ से यहाँ पे सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरफ से सेट करके और ये ओके का बटन दबा देंगे तो क्या होगा कि अगर कोई सामान में अगर पीछे से हमारा ये काउंटर वेट अगर टच होना हो तो नहीं टच होगा, इतना पे आके और ये आराम से रुक जाएगा, ठीक है। तो ये रुकने की वजह से कोई एक्सीडेंट नहीं होगा और ये हमारा जो काम है वो सेफ काम हो सकता है, ठीक है। तो ये ऐसा सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम में अगर सेट करना है तो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं F3 और F4 से चेंज होता है, F3 और F4 से चेंज होता है। और यहाँ से ओके कर देंगे तो जो भी सेट किए रहेंगे यहाँ से ओके कर देंगे तो सब ओके हो जाए, एक्टिवेट हो जाएगा। अगर हमें ये सेटिंग को कैंसिल करना है और सेटिंग नहीं करना है तो यहाँ F1 है, F1 को दबाएंगे तो ये सेटिंग कैंसिल हो जाएगा। तो मैं F1 दबा दिया, ये पूरा सेटिंग कैंसिल कर दिया क्योंकि मुझे ये सेटिंग अभी नहीं चाहिए। उसके बाद में ये जो है ये काउंटर वेट सेटिंग करने के लिए होता है, तो काउंटर वेट सेटिंग करने की जरूरत नहीं है और इसमें ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। और दूसरा जो है ये पार्ट ऑफ लाइन सेट करने के लिए है, ठीक है। अगर क्रेन में पार्ट ऑफ लाइन सेट करना है तो ये बटन को ओके करेंगे। उसके बाद में देखिए अभी मेरा 8 पार्ट ऑफ लाइन है, तो इसको 8 मेरा 8 पार्ट ऑफ लाइन है, इसको अगर कम ज्यादा करना है तो ये देखिए F3 और F4 से हम कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी देखिए ये 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया,
13 हो गया, 14 हो गया, तो मेरे क्रेन में 14 मैक्सिमम पार्ट ऑफ लाइन सेट कर सकता हूँ, ठीक है। ये सेट करके और यहाँ से ओके दबा दूंगा तो ये 14 पार्ट ऑफ लाइन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है 14 पार्ट ऑफ लाइन, ठीक है, उसका कैपेसिटी ये दिखा रहा है। अगर हमें अभी मेरे क्रेन में 8 पार्ट ऑफ लाइन है तो मैं 8 पार्ट ऑफ लाइन पे इसको कर दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए F3 में इससे जाएंगे, F3 से 8 पार्ट ऑफ लाइन में कर दूंगा, ये 8 पार्ट ऑफ लाइन करके ओके कर दूंगा, ये 8 पार्ट ऑफ लाइन यहाँ पे दिखा रहा है। अगर हम सिंगल हुक से काम कर रहे हैं, अगर एक्सेलरी हुक से काम कर रहे हैं और एक्सेलरी हुक का सेट करना है तो यहाँ पे F3 को हम पुश करेंगे, F3 से एक एक पार्ट ऑफ लाइन कर देंगे, तो ये एक पार्ट ऑफ लाइन हो गया और ये मैं ओके कर दूंगा। तो यहाँ देखिए एक पार्ट ऑफ लाइन हो गया और एक पार्ट ऑफ लाइन की मेरी कैपेसिटी है 6.6, यानी 6.6 टन मेरा एक पार्ट ऑफ लाइन की कैपेसिटी है, तो इतना आ गया, ठीक है। तो मेरे क्रेन में अभी 8 पार्ट ऑफ लाइन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ लाइन है, तो मैं 8 पार्ट ऑफ लाइन इसमें सेट करूंगा। तो 8 पार्ट ऑफ लाइन चेंज करने के लिए मैं F4 दबाऊंगा, F4 से पार्ट ऑफ लाइन बढ़ता है और F3 से पार्ट ऑफ लाइन कम होता है, ठीक है। तो मैं F4 दबा के इसको 8 पर सेट कर दूंगा, ये 8 पर हो गया और मैं इसे सेट कर दूंगा। तो अभी मेरे क्रेन का कैपेसिटी भी, बढ़ गया है, 14.6 टन आ गया है और यहाँ पे दिखा रहा है 8 पार्ट ऑफ लाइन दिखा रहा है। उसके बाद में ये जो बटन है ये बूम का मोड चेंज करने के लिए है, इसको हम ओके करेंगे, ये बूम आ गया, इसको ओके करेंगे तो ये बूम का मोड आ गया। अभी मैं मोड 2 पे करके रखा हूँ और ये मोड 1 है, तो मोड 1 पे करने के लिए ये F3 दबाऊंगा, मोड 1 आ गया, अभी मैं सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये मोड 1 हो गया। मोड 1 में क्या होगा कि सिर्फ एक बूम निकलेगा, पहला सेक्शन का बूम निकलेगा और उसमें हैवी लिफ्टिंग करने के लिए बूम 1 पर ही लिफ्टिंग किया जाता है। उसके बाद में अगर मोड 2 मुझे काम करना है तो ये देखिए मोड 1 है, अभी मोड 2 में करने के लिए F4 दबाऊंगा, ये मोड 2 में आ गया, यहाँ से ओके कर दूंगा, तो ये मोड 2 में हो गया। मोड 2 में 3 टेलीस्कोपिक बूम साथ में निकलता है और मोड 1 में पहला टेलीस्कोपिक बूम साथ में निकलता है। ये क्रेन में टोटल 5 बूम है, 4 टेलीस्कोपिक बूम है और एक बेसिक बूम है। तो उसके बाद में ये बूम को सिलेक्ट करेंगे, अगर हमें एक्सेलरी हुक पे काम करना है तो ये F4 दबाएंगे और सेटिंग करेंगे तो एक्सेलरी हुक पे हो जाएगा, एक्सेलरी हुक पे हो गया। एक्सेलरी हुक का यहाँ पे एक पार्ट ऑफ लाइन दिखा रहा है और यहाँ कैपेसिटी चेंज हो गया, 6.6 हो गया, यानी 6.6 टन इसका कैपेसिटी हो गया। उसके बाद में अगर हमें यहाँ एक्सेलरी हुक का यहाँ पे एक्सेलरी हुक का ये सेटिंग भी दिखा रहा है, यहाँ पे एक्सेलरी हुक का सेटिंग भी हो गया। उसके बाद में अगर हमें फ्लाई जिप में काम करना है तो ये सेट कर देंगे, फ्लाई जिप में हो जाएगा, यहाँ से ओके कर देंगे, फ्लाई जिप का आ जाएगा। उसके बाद में अगर फ्लाई जिप का एंगल सेट करना है ये 3.5 के डिग्री में सेट करेंगे, दूसरा एंगल है 25.0 के डिग्री में सेट करेंगे और तीसरा एंगल 45 के डिग्री में एंगल सेट किया जा सकता है। पहला जो फ्लाई जिप का जो लेंथ है 10.1 लेंथ है और दूसरा जो मोड का लेंथ है वहाँ पे दूसरा जो फ्लाई जिप खोल देंगे तो टोटल हो जाएगा फ्लाई जिप का लेंथ 17.7 मीटर, टोटल फ्लाई जिप का इसमें लेंथ है, ठीक है। तो इसे 3.5 डिग्री में और ये 25 डिग्री में, उसके बाद में 45 डिग्री में, 3 डिग्री में सेट कर सकते हैं और यहाँ से ओके दबा देंगे, सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मेरा सेट हो गया है, 45 के डिग्री में सेट कर दिया, ठीक है। अगर इसे कैंसिल करना है तो हम इधर अपने वापस मोड में आ जाएंगे और यहाँ से ओके दबा देंगे। उसके बाद में मोड 2 में काम करना है या मोड 1 में काम करना है तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मुझे मोड 1 में काम करना है, मोड 1 सेलेक्ट करके मैं यहाँ से ओके दबा दूंगा, ये मोड 1 का पूरा सेटिंग आ जाएगा। यहाँ पे 8 पार्ट ऑफ लाइन दिखा दिया, मेरा कैपेसिटी आ गया पूरा, ये मोड 1 का सेटिंग हो गया। ये क्रेन का आउट ट्रिगर सेट करने के लिए है, तो ये देखिए यहाँ पे मेरा फुल आउट ट्रिगर निकला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फुल आउट ट्रिगर निकाल के मैं काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे फुल आउट ट्रिगर निकला हुआ है तो ये ओके कर दूंगा, फुल आउट ट्रिगर पे सेट कर सकता हूँ। इसको चाहे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे ये आउट ट्रिगर फुल अगर हमें कम आउट ट्रिगर पे अगर निकाले हैं उस पर सेट करना है तो यहाँ से ये देखिए मोड चेंज होता है, या F4 दबाएंगे तो ये अभी टायर के मोड पे आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये फुल मोड हो गया, ठीक है। तो हम जितना आउट ट्रिगर निकालेंगे यहाँ पे शो करके, ये जो काला सा जो ये ब्लैक ब्लैक जो बॉक्स दिख रहा है ये बॉक्स के हिसाब से दिखाते जाएगा कि हम कितना आउट ट्रिगर निकाले हैं, तो उसके हिसाब से उतना हम यहाँ दिखाएगा और यहाँ से ओके दबाएंगे तो ये सेट हो जाएगा, ठीक है।
उसके बाद में ये जो ये बटन है, ये बटन से ये जो हमारा कंप्यूटर है वो हैंग हो जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है, ठीक है। फिर इसे एक बार और पुश करेंगे तो ये वापस आ जाता है और ये हैंग खत्म हो जाता है। तो ये बटन का ज़्यादा कुछ काम नहीं है, बस इतने के लिए है। उसके बाद में ये स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग में ये हॉर्न है, इसको दबाएंगे तो हॉर्न बजता है। उसके बाद में ये जो हमारा स्टेयरिंग है, स्टेयरिंग के नीचे जस्ट ये वाइपर का होता है, इससे वाइपर चालू होता है। ये अभी बंद है, अभी ये मैं चालू कर दिया। ये देखिए वाइपर काम करना चालू कर दिया, तो इससे वो वाइपर चालू होता है। और ये यहाँ एक बटन है, यहाँ से वाइपर का जो पानी है वो आता है, ऐसा दबाएंगे तो वाइपर में पानी आएगा, ठीक है। और ये राइट साइड में स्टेयरिंग के नीचे ही ये लाइट का है, यहाँ से लाइट चालू होता है, ठीक है। यहाँ से लाइट चालू कर सकते हैं, ये ऐसा करके लाइट चालू कर सकते हैं, ठीक है। और इससे अगर हम ट्रेवलिंग कर रहे हैं तो इंडिकेट करने के लिए भी, यहाँ ऐसा करेंगे तो ये लेफ्ट का इंडिकेट होगा और इसी को ऐसा करेंगे तो ये राइट का इंडिकेट होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन बटन को दबा दीजिए, ताकि किरण से रिलेटिव कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।